हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले जो विंसी प्रीमियर लीग टीटन जो लीग चल रहा है उस लीग के बारे में। तो ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा था, गारंटियन ड्राइवर्स वर्सेस फोर्ट कैरेटर स्ट्राइकर्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। तो दोस्तों, ये मैच के बारे में बात किए तो मैच स्टार्ट होने में लगभग 34 घंटे बचे हैं दोस्तों, मैच स्टार्ट होने में। तो दोस्तों, मैं पहले आपको तीनों चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा दोस्तों। वो तीनों चीज़ रहेगा, मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा दोस्तों, पिच रिपोर्ट दोस्तों, एवरेज स्कोर के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फिर से तीनों चीज़ आपको जानना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे कि सारा चीज़ आपको कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। उसके बाद अगर बात किया तो जो पिच है दोस्तों, आपको 100% मस्टर्ड शूट में बता रहा हूँ दोस्तों, बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेगा। तो कोई भी टीम आपको टॉस जीता तो बैटिंग का फैसला करेगा, ये 100% श्योर है दोस्तों। उसके साथ अगर बात करें तो टीटन का मुकाबला दोस्तों पेरिनिंग के साथ 60 बॉल होता है। तो दोस्तों, आने वाले बैट्समैन जब होते हैं सब हिटिंग मूड में रहते हैं, तो आप परफेक्ट टीम बनाते हैं दोस्तों। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप नहीं बनाते, तो आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आप जो टीम बनाते हैं अफकोर्सली आप 100% में 50% सक्सेस होता है, लेकिन मेरा जो टीम होता है दोस्तों 100% में 99% सक्सेस होता है। तो दोस्तों, आपको और मेरे में कमी क्या है मैं बता रहा हूँ। तो जब जो टीम बनाते हैं दोस्तों, आप पॉइंट्स देके बनाते हैं, और मैं पॉइंट्स देके नहीं बनाता हूँ। वो प्लेयर का एक्सपीरियंस हो जाए, वो प्लेयर का क्या कितने साल से लीग खेल रहे हैं, कितने साल से लीग चल रहा है दोस्तों, वो सब मैं देखकर एक टीम बनाता हूँ दोस्तों, परफेक्ट टीम बना के आपको देता हूँ। तो दोस्तों, ये सिर्फ मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं 100% श्योर आपको मैं विनिंग जोन पे ले जाऊंगा। और ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग, हेड टू हेड, 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट जो भी हो जाए दोस्तों, आपको मैं मनी ईजिली से अर्न करवा दूंगा। उसके साथ अगर बात की पिच रिपोर्ट जो है दोस्तों, आपको स्पिनरों के लिए अच्छा सपोर्ट करेगा। एवरेज स्कोर के बारे में बात की 108 और 110 के बीच में स्कोर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा एवरेज स्कोर के बारे में। अगर वेन्यू के बारे में बात किया जाए, एरोनॉन्स वेल ग्राउंड में खेला दोस्तों, वेन्यू यही है। उसके साथ साथ आपको एक छोटा सा काम है दोस्तों, उसको भी आपको पूरा कर लेना है, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन करना होगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स। तो मैं क्यों बोल रहा हूं कि मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, तो आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना है। तो बाई मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता तो आपको सीधा इस तरह टेलीग्राम में चल जाना होगा दोस्तों। टेलीग्राम में जाकर इस तरह आपको सर्च कर लेना होगा @jehofantasy करके फ्रेंड्स। आपको सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको सही तरह सर्च करना होगा जिस तरह मैं क्योंकि दोस्तों, ये अकाउंट जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, अकाउंट जो फेक अकाउंट है, तो ये इन अकाउंट से आपको दूर रहना, क्योंकि दोस्तों वो फेक नहीं देगा तो आप लॉस हो जाएंगे वगैरह वगैरह होगा दोस्तों, तो उससे आपको दूर रहना होगा। अगर दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपका सब लॉसेस कवर करवा दूंगा, ये मेरा 100% श्योर वादा है दोस्तों। मस्टर्न शूट में बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मनी जिले अन करना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना। उसके बाद अगर बात किया तो मैं वीडियो को लंबा नहीं करता हूं, चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर हो जाए तो दोस्तों, हम लोग कुल मिलकर 11 प्लेयर को पिक करते हैं दोस्तों। इन 11 प्लेयर में आपको लास्ट 3 मैच का स्कोर कार्ड मिलेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम मिल जाएगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन लाइक का प्लेयर भी मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारा चीज आपको जाना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, साथ ही साथ आपको वीडियो को एंड तक बने रहना होगा। तो दोस्तों, अगर पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो 5 विकेट कीपर का ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन हम लोग दो विकेट कीपर के साथ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो है बैटिंग पिच है दोस्तों, हम लोग इंपॉर्टेंट विकेट कीपर के साथ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग विकेट कीपर, इंपॉर्टेंट विकेट कीपर को जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात किए देखिएगा, हम लोग दो विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं दोस्तों। पहले विकेट कीपर में आते सी वॉल्टन, तो यस ब्राउन को पिक करते हैं दोस्तों। दोनों विकेट कीपर आपको जो है दोस्तों, परफेक्ट विकेट कीपर रहने वाला, सी वॉल्टन आपको पिक किया और एस ब्राउन को हम लोग पिक किया दोस्तों। दो विकेट कीपर परफेक्ट हो चुका है। अगर ये दोनों प्लेयर के स्टार्ट के बारे में देखा जाए तो दोस्तों, ये प्लेयर जो है दोस्तों, 3 मैच का स्कोर कार्ड बात के सी वॉल्टन आपको काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, उसके साथ से ब्राउन भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो सी वॉल्टन के बारे में बात करें, बैक टू बैक परफॉर्मेंस निकल रहा है इनके बल्ले से, तो दोस्तों ये प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, मस्टर्न शूट 100% पिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात किए तो जो प्लेयर है, आप मनी इजिली अर्न करना दोस्तों, आपको मनी इजिली अर्न करना दोस्तों। ये दोनों प्लेयर्स को आपको पिक करना होगा। सी वॉल्टन का अगर बात किया, 69 रन बनाए थे 32 बॉल्स खेल के, उसके बाद 64 रन बनाए थे 26 गेंद खेलकर, 20 रन बनाए थे 11 गेंद खेल के। तो दोस्तों, ये रात इन ये प्लेयर का 3 मैच का स्कोर कार्ड। और ब्राउन के बारे में बात करें, लास्ट मैच में 6 रन बनाए थे, उसके दूसरे मैच में 38 रन बनाए थे 19 गेंद खेलकर, 46 रन बनाए थे 32 गेंद खेल के। तो दोस्तों, ये तीनों प्लेयर दोनों प्लेयर आपको विकेट कीपर में ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, दोनों विकेट कीपर आपको परफेक्ट रहने वाला है। उसके बाद अगर बातें में बात किए तो दोस्तों, दोनों विकेट कीपर इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। अगर बैट्समैनों के बारे में बात किया तो फ्रेंड, हम लोग को बैट्समैन काफी बैट्समैन दिए गए, तो इंपॉर्टेंट बैट्समैन को हम लोग पिक करना दोस्तों। तो हम लोग पहले बैट्समैन किस किस को ट्राई कर सकते हैं,
तो दोस्तों इधर मैं पिक किया हूँ दोस्तों एस विलियम्स है और डी हेक्टर है दोस्तों आर थॉमस को पिक किया हूँ। दोस्तों ये तीनों बैट्समैन जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो तीनों प्लेयर का हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पिक कर रहे थे दोस्तों, एस विलियम्स हो जाए, डी हेक्टर हो जाए, उसके बाद दोस्तों हम लोग को एस ब्राउन को हम लोग पिक किया। तो तीन बैट्समैन हो चुका है दोस्तों, इधर तीनों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। तो दोस्तों हम लोग तीन बैट्समैन को पिक कर लिए, देखिएगा एस विलियम्स, डी हेक्टर और आर थॉमस को पिक किया दोस्तों। तीनों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं। तो ये तीनों प्लेयर का स्टैट्स के बारे में देखा जाए तो देखिएगा दोस्तों, एस विलियम्स है दोस्तों पहले प्लेयर में, तो दोस्तों लास्ट मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला, लेकिन एस विलियम्स को इधर कंफर्म कर लीजिए क्योंकि दोस्तों बैक टू बैक परफॉर्मेंस जा रहा है, लेकिन बाकी लास्ट तीन मैच का स्कोर कार्ड सही नहीं जा रहा दोस्तों प्रॉपरली, क्योंकि दोस्तों फिलहाल जो प्लेयर है दोस्तों नीचे डाउन पे आ रहे हैं, लेकिन ये प्लेयर का डाउन होता है दोस्तों दो या तीन डाउन पे उतरते, लेकिन ये प्लेयर आपको फिनिशिंग रोल पे रखा जा रहा है दोस्तों, ये प्लेयर को आप 100% मस्ट शुड आप पिक कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये प्लेयर ऊपर भी आ सकता है दोस्तों, 100% श्योर बता रहा हूँ, इजीली से स्कोर मार सकते हैं दोस्तों, प्लेयर में कैपेबिलिटी है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा मैच में एक रन बनाए थे, एक गेंद खेलकर 10 रन बनाए थे, 3 गेंद खेल के रहा दोस्तों तीनों मैच का स्कोर कार्ड। और हेक्टर के बारे में बात करें, लास्ट मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला था, दूसरा मैच के बारे में बात किया 18 रन बने थे 20 गेंद का, लास्ट मैच के बात की तो 14 रन बने थे 17 गेंद खेल के रहा दोस्तों डी हेक्टर का स्कोर कार्ड। और थॉमस के बारे में बात करें 42 रन बने थे 22 गेंद खेल के, और उसके बाद अगर बात की 20 रन बनाए थे 16 गेंद खेल के, 21 रन बनाए थे 16 गेंद खेल के, तो दोस्तों आप तो मस्त कर रहे हैं ये तीनों मैच का स्कोर कार्ड। उसके बाद अगर बात की तो हम कुल मिलाकर 5 प्लेयर्स को पिक कर लें दोस्तों, 2 विकेटकीपर 3 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं दोस्तों, 5 प्लेयर्स को हम लोग पिक कर लें। उसके बाद अगर बाकी बात हम लोग पिक करते हैं ऑलराउंडर बॉलर, तो दोस्तों ऑलराउंडर में किस किस को ट्राई कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर को नाम बता दूंगा ऑलराउंडर में, काफी इधर प्लेयर्स दे चुके हैं दोस्तों, काफी प्लेयर्स हैं ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन हम दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर के साथ जाते हैं। तो दोस्तों आप ऑलराउंडर में किसको ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, जो आपको इधर दिखाया जा रहा है दोस्तों ब्रेट वाइट, आप जब पहचानते होंगे इस ब्रेट वाइट को कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, तो 2016 जो T20 वर्ल्ड कप हुआ दोस्तों 4 बॉल में 4 छक्के मार के जिताए थे दोस्तों, ये प्लेयर को इधर कंफर्म कर लीजिएगा। रिचर्ड्स को पिक करते हैं दोस्तों, उसके साथ साथ डी ब्राउन को पिक करते हैं। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये तीनों प्लेयर्स को हम लोग पिक करते हैं, ब्रेट वाइट को पिक किया दोस्तों, रिचर्ड्स को पिक किया, उसके साथ डी ब्राउन को पिक कर लिए। तो दोस्तों तीनों विकेट की तीनों ऑलराउंडर्स को हम लोग पिक किए दोस्तों, तीनों ऑलराउंडर के बारे में आपको स्टार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ब्रेट वाइट, तो ब्रेट वाइट के बारे में बात की, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्म चल रहा है दोस्तों प्लेयर का, तो दोस्तों 64 रन बनाए थे 24 गेंद खेल के, 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। उसके बाद अगर बात की दूसरा मैच का स्कोर कार्ड, 21 रन बनाए थे 5 गेंद खेल के, उसके बाद 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, उसके बाद 1 रन बनाए थे 3 गेंद खेल के, 2 ओवर डाल के 2 सफलता था। तो दोस्तों ये रहा दोस्तों लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, 64 जो बनाए थे दोस्तों लास्ट मैच का, बाकी जो मैच है 2 या 3 मैच का है। उसके बाद अगर बात की रिचर्ड्स, 2 ओवर डाल के 3 सफलता दोस्तों लास्ट मैच में, उसके बाद दूसरा मैच के बारे में बात किया तो रन 0 रन पर आउट हो गए थे दोस्तों 2 गेंद खेल के, लास्ट मैच का स्कोर कार्ड तीसरा मैच का स्कोर कार्ड 1 रन बनाए थे 2 गेंद खेलकर, 1 ओवर डाल के 1 सफलता था। उसके बाद अगर ब्राउन के बारे में बात करें तो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, बैटिंग का मौका नहीं मिला, उसके बाद अगर बात करें 2 ओवर डाल के 2 सफलता है। उसके बाद अगर बात किया तो दूसरा मैच का 10 रन बनाए थे 3 गेंद खेलकर, 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। अगर बात किया तो लास्ट तीसरा मैच का स्कोर कार्ड यह रहा कि 1 रन बनाए थे 2 गेंद खेलकर, 2 ओवर डाल के 2 सफलता था। तो दोस्तों इधर ब्राउन को इधर कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात किया तीनों डिफरेंट ऑलराउंडर्स आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले, तो कुल मिलाकर हम लोग 8 प्लेयर्स को पिक कर लिए। उसके बाद बॉलर्स पर हम लोग पिक करते हैं। तो दोस्तों अगर बात किया तो पहले बॉलर आप किस किस में ट्राई कर सकते हैं, काफी इधर बॉलर्स दे हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट बॉलर्स को पिक करना होगा। दोस्तों चलिए हम लोग बॉलर्स को देख लेते हैं। तो हम लोग पहले बॉलर आप पिक कर सकते हैं दोस्तों, डब्ल्यू स्टीओक को पिक कर सकते हैं, जे जोन्स है दोस्तों, या स्टेफलेटन को पिक कर सकते हैं। तो दोस्तों तीनों बॉलर्स के बारे में बात करें, तीनों बॉलर्स आपको इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे, तो तीनों बॉलर्स को इधर कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये तीनों बॉलर्स आपको इंपॉर्टेंट बॉलर्स रहेंगे दोस्तों, तीनों बॉलर्स का अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पिक कर लेते हैं दोस्तों, देखिएगा हम लोग तीनों बॉलर्स को हम लोग पिक कर चुके हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ये तीनों बॉलर का स्टैट्स के बारे में, तो दोस्तों पहले बॉलर में आते हैं दोस्तों स्टीओक, तो स्टीओक के बारे में बात करें तो दो ही बॉल डाले थे दोस्तों, 2 सफलता था। उसके बाद अगर बात की तो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड यारा, उसके बाद अगर बात की 1 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं, लास्ट मैच का स्कोर कार्ड यारा 2 ओवर डाल के 1 सफलता है। उसके बाद जोन्स के बारे में बात की तो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड यहाँ कि 2 ओवर डाल के 3 विकेट था, उसके बाद अगर बात की 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है, और लास्ट तीसरा मैच स्कोर कार्ड 2 रन बने थे 2 गेंद खेलकर, 4 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं। उसके बाद अगर बात की तो लास्ट स्टेफलेटन है दोस्तों, स्टेफलेटन के बारे में बात किया तो लास्ट मैच में कोई बॉलिंग का मौका नहीं मिला था, उसके बाद अगर बात की 16 रन बने थे 8 गेंद खेल के, उसके बाद बैटिंग का मौका नहीं, और लास्ट तीसरा मैच खेले थे नहीं थे दोस्तों। तो प्लेयर आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लें दोस्तों। हम लोग देखिएगा 2 विकेटकीपर के साथ जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया तो बैट्समैनों के बारे में बात करें, 3 बैट्समैन के साथ जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया तो ऑलराउंडर भी 3 ऑलराउंडर के साथ जा रहे हैं। उसके बाद अगर बात किया तो बॉलर के बॉलर में बात
के तीन बॉलर के साथ जाना। कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लें दोस्तों। ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टार्ट के बारे में बता दिया दोस्तों, इन 11 प्लेयर का आपको स्टार्ट के बारे में बता दिया। अब मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में आपको कह देता हूं। तो दोस्तों आप कप्तान पे इस पर ट्राई कर सकते हो, आग बंद करिए, आग बंद कर लीजिए दोस्तों, और कप्तान पे आप सिर्फ ब्रेट वाइट को पिक कर लीजिए कप्तान पे। तो दोस्तों ये प्लेयर एक्सपीरियंस है, काफी इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं दोस्तों अपने देश वेस्ट इंडीज टीम के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों आईपीएल लीग जो होता है दोस्तों, बिग बैश लीग हो जाए, आईपीएल लीग हो जाए दोस्तों, कैरेबियन लीग हो जाए, जैसे जैसे लीग होता है दोस्तों, हर लीग के कंसिस्टेंसी से खेल रहे, तो ये प्लेयर को पिक कर लीजिएगा ब्रेट वाइट को। और वाइस कप्तान के रूप में बात किए तो सी वॉल्टन काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग हो जाए, बिग बॉस लीग हो जाए दोस्तों, ये प्लेयर आपको कंफर्म रहते हैं। तो दोस्तों सी वॉल्टन जो है दोस्तों लीग में भरपूर है दोस्तों, ये प्लेयर को पिक कर सकते हैं वाइस कप्तान पे। तो दोस्तों मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको परफेक्ट प्लेयर का नाम बता दियो। आर को कोई कंफ्यूजन है तो मेरे टीम को देख लीजिए। अगर पहले विकेट कीपर में बात किया, हम लोग दो विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं, तो सी वॉल्टन को पिक किया दोस्तों पहले विकेट कीपर में, एस ब्राउन को पिक किया दूसरे विकेट कीपर में। उसके बाद अगर बात किए तो बॉलर बैट्समैन में, तो एस विलियम्स को पिक किया दोस्तों पहले बैट्समैन में, डी हेक्टर को पिक किया दूसरे बैट्समैन में, और आर थॉमस को पिक किया तीसरे बैट्समैन में। उसके बाद अगर बात किया तो ऑलराउंडर, तो दोस्तों सी ब्रेट वाइट को पिक किया पहले ऑलराउंडर में, आर रिचर्ड्स को पिक किया दूसरे बॉलर में, डी ब्राउन को पिक किया तीसरे बॉलर ऑलराउंडर में। उसके बाद अगर बात करें तो बॉलर्स, तो दोस्तों डब्ल्यू स्टीयॉक को पिक किया पहले गेंदबाज में, दूसरे गेंदबाज आते हैं दोस्तों जे जोन्स, और स्टेफ लेटन को पिक किया तीसरे गेंदबाज में। तो दोस्तों तीनों के इन 11 प्लेयर में हम लोग दोस्तों कप्तान पे बनाए सी ब्रेट वाइट को, वाइस कप्तान में वॉल्टन को बनाए। तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर रहे हैं दोस्तों, इन 11 प्लेयर का ऑलमोस्ट हर प्लेयर का स्टार्ट के बारे में बता दिया। साथ ही साथ आपको कोई मेरा फाइनल टीम नहीं समझाऊंगा, मेरा फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता है, आपको सीधे इस तरह टेलीग्राम में चल जाना होता है। टेलीग्राम में जाकर सर सर्च कर लेना होता है एट द रेट जो फैंटेसी करके, आपको जो 1300 प्लस सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको ज्वाइन करना है, बाकी अकाउंट को अवॉइड। और आपको जो 1300 प्लस सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको सर क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर बात की तो आपको मैं काफी इन्फॉर्मेशन दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इस तरह टेलीग्राम चैनल में आपको काफी मिल जाएगा दोस्तों, जो आपको युवा कबड्डी सीरीज यूथ लीग जो चल रहा है दोस्तों, हर मैचेस का मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ इस तरह, लिंक नीचे में दोस्तों देखिए जाइए, देखिए 100% मनी जिलियन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात किया तो आपको जो हैदराबाद वर्सेज मुंबई के बीच में मैच मुकाबला खेला जाएगा आज 7:30 बजे का, उसका फ्री एंट्री दे रहा है दोस्तों, 50,000 का फ्री एंट्री मिल रहा है विजन लावन लिंक द्वारा। तो मैं विजन लावन द्वारा लिंक 100% में बता रहा हूं दोस्तों, मैं कई मोबाइल प्रोजेक्ट हो जाए, टू बी फ्रैंक बता रहा हूं दोस्तों, मैं पैसे इजीली से अर्न कर रहा हूं विजन लावन द्वारा। तो आपको क्योंकि बता रहा हूं कि दोस्तों आप मेरे यूजर है, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो रहे हैं, इतना प्रोसेस होता है दोस्तों मुझ पर भरोसा करने के लिए। तो आपको मैं एक तो आपको मैं हेल्प कर ही सकता हूं, ये लिंक द्वारा डाउनलोड कीजिए और 100% श्योर मनी डिलीवर कीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो आपको मैं जो आपको जो फ्री एंट्री मिली रहा, और उसके बाद अगर बात करें माई मास्टर 11 में 1,00,000 का फ्री एंट्री मिल रहा दोस्तों, इसमें आपको पैसा से ज़्यादा दोस्तों दूसरा इन्वेस्ट होता है, मोबाइल हो जाए दोस्तों, उसके साथ मोटर बाइक्स हो जाए, कार हो जाए, तो दोस्तों टाटा का कार मिलेगा और आपको महिंद्रा का कार मिलता है। तो दोस्तों इसमें आपको इंपॉर्टेंट कंपनी का कार मिल रहा, उसके साथ माई मास्टर 11 का ही मैं टू बी प्रैंक बता रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई कॉम्पिटिशन नहीं रहता, लो कॉम्पिटिशन रहता, मनी जिली से अर्न कर सकते। उसके बाद ये लिंक द्वारा डाउनलोड कीजिए, 100% मनी इजीली अर्न करना, तुरंत अर्न कीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो आपको मैं डीयू का टीम दूंगा इस तरह, आपको ये आता है दोस्तों कुबेरा से, तो कुबेरा का हेल्प द्वारा मैं डीयू का टीम दूंगा। तो 5 प्लेयर में आपको इस तरह प्लेयर को चुन के दे दूंगा, परफेक्ट प्लेयर रहेगा दोस्तों मोहम्मद रिजवान, आप जानते होंगे दोस्तों कितना जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है दोस्तों, 5 T20 हो जाए या 4 T20 के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है, ये दोस्तों 3rd T20 का था। उसके बाद अगर बात किए तीनों ये 5 प्लेयर में आपको इस तरह प्लेयर को चुन के दूंगा, और एग्जाम्पल क्या बता रहा हूँ दोस्तों डीयू का टीम का खासियत क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये इन्वेस्ट कीजिएगा, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, आप सीधा से सीधा 30-40 रुपये कमा सकते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, जितना आप मनी बढ़ाएंगे उतना से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये रहा कुबेरा का खासियत। उसके बाद अगर बात किए तो हमको काफ़ी एंट्री फ्री आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी टीम आपको टॉस जीता दोस्तों देखिएगा, न्यूजीलैंड ने कल टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया दोस्तों, इस तरह आपको मिल जाएगा प्लेइंग 11 दोनों टीमों को मिल जाएगा दोस्तों, जिस तरह मैं दे रहा हूँ। तो आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल में, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, मैं 100% श्योर बता रहा हूँ मनी जिली अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात किए तो आपको मैं फिलहाल जो आपको टीम दे रहा हूँ दोस्तों, ग्रैंड लीग हो जाए, स्मॉल लीग हो जाए, या हेड टू हेड हो जाए, 3 स्पॉट हो जाए, 4 स्पॉट और 5 स्पॉट और हेड टू हेड में ट्राई कर रहा हूँ, मैं 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट आपको 100% श्योर बता रहा हूँ दोस्तों, आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। आपको मनी इजीली अर्न करना दोस्तों, आपको एक परफेक्ट टीम फॉलो कर लेना दोस्तों, आग बंद कीजिए। और उसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो कहीं पर अर्न कर देता हूँ, आपको वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स, थैंक यू।